Assalamualaikum viewers, मैं हूँ सना और मैं हूँ रूबी। हम आपको आपका किचन विद सिस्टर में वेलकम करते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही मजेदार बघारा व दही विद राय। व्यूअर्स, वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाने से आपको हमारी हर रेसिपी फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ व्यूअर्स आ जाते हैं हम अपने बघारे में दही को बनाने के लिए। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास आधा किलो दही है, आप ये देख रहे होंगे आधा किलो दही है। अच्छा, इस वक्त इसमें सिर्फ दो चीज़ें जाएंगे और कुछ भी नहीं जाएगा। देख लीजिए, ये मेरे पास 1 टीस्पून नमक है। नमक देख लीजिएगा, चख लीजिएगा, इसको आप चख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, 1 टीस्पून नमक है और यह है 1 टीस्पून लाल मिर्चें। ठीक है, अच्छा ये भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं कर दीजिएगा और बहुत कम नहीं कर दीजिएगा। आज व्यूअर्स, अब हम इसको मिक्स करेंगे। आज व्यूअर्स देखिए, ये हम जो दही के अंदर हमने दो चीज़ें मिक्स की थी व्यूअर्स, अब आप देख रहे हैं कि ये दही हमारा कितना गाढ़ा हो रहा है। ठीक है, तो हमें इतना गाढ़ा भी नहीं रखना है, इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और इतना ज़्यादा पानी भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पतला हो जाए, एक नॉर्मल। ये मेरे पास 1 कप है, ये मैंने इसमें सारा पानी इसमें डाल दिया है। ठीक है, अच्छा डालने के बाद इसको हम दोबारा विस्क करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। बस इसके अंदर व्यूअर्स सिर्फ ये दो ही चीज़ें जाती हैं और कुछ भी नहीं जाती हैं, बाकी का जो है वो मैं आपको बताती हूँ। आज व्यूअर्स देखिए, ये इतना गाढ़ा होना चाहिए। ठीक है, आप इसको देख रहे होंगे, ये बहुत ज़्यादा ना पतला है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, ये इतना। क्योंकि जब हम पकौड़े जो फ्राई करके जब इसमें डालेंगे, आपको पता है पकौड़े कोई भी चीज़ उसको सख कर लेते हैं, तो ये और मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। मेरे ख्याल से मुझे ये वैसे सही लग रहा है, मगर हो सकता है मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूँ, वो भी मैं आपको दिखा के डालूँगी। सही, आज व्यूअर्स आप देख सकते हैं, ये है मेरा बाउल, ये 3 कप मैंने पानी इसमें डाल दिया है। इतना तो व्यूअर्स आपको अंदाज़ा होगा कि कोई भी चीज़ कितनी पतली रखनी है और कितनी गाढ़ी रखनी है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा और ये देखिए, अब इसकी जो है कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही हो चुकी है। ठीक है, हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए। ठीक, देखिए व्यूअर्स, इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया, आपको नज़र आ रहा होगा ये 1 टेबल स्पून ऑयल है। हमें ज़्यादा ऑयल इसमें इस वक्त नहीं डालना है क्योंकि हमें भगार भी देना है। अच्छा, ये है मेरे पास 1/2 टीस्पून अदरक और लहसुन मिला के, ये 1/2 टीस्पून आपको नज़र आ रहा होगा, हमें ज़्यादा नहीं डालना है। ठीक है, बस ये हमने इसमें डालना है। ठीक है, बस इसको डाल के इसको थोड़ा सा हमने इतना करना है कि इसकी ये थोड़ा सा भून जाए, हमें इसकी खुशबू देनी है अपने दही में। ठीक है व्यूअर्स, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब ये जो दही है व्यूअर्स, अब मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, दही डालते वक्त ख्याल रखिएगा, हमें इसे पकाना नहीं है वरना आपका दही फट जाएगा। जैसे दूध और पानी अलग हो जाता है, ऐसे दही भी ख़राब हो जाएगा। तो जैसे मैं बताऊँ आप उसको ख्याल रखिएगा और फौरन चूल्हा बंद कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाह, जी व्यूअर्स, अब आप देखें, इसको बिल्कुल नहीं पकाना है, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। ये मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसका चूल्हा ऑफ कर देना, वरना आपका दही फट जाएगा। ये चीज़ें छोटी छोटी सी व्यूअर्स टिप्स होती हैं, इनको प्लीज़ फॉलो करें। फिर ये हो जाएगा, कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी तो फिर वो जाहिर सी बात है कि सामान आता है और ख़राब हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं आपको बताऊँगी कि हाँ, किस पॉइंट पर इसको हमें बंद कर देना है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं, इसे मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट मैंने इसको फ्लेम पे रखा है, और वो भी फुल फ्लेम पे नहीं है, बहुत स्लो फ्लेम पे है, वरना दही हमारा फट जाएगा। आपको खुद फील होगा कि आपका दही और पानी में अजीब किस्म का वो हो जाएगा। बस यहाँ तक के लिए सही है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। आप देख रहे होंगे ये इस तरीके से, ये दही गर्म हो चुका है, अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, ख़त्म। ठीक है, ये हो चुका है, अब हमारा ये दही का काम हो चुका है। अब आ जाती है बारी पकोड़े बनाने की। ठीक है, पकोड़े हमने बनाना है, इसमें डालना है, बघार देना है और हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बघारा हुआ दही तैयार है व्यूअर्स।
व्यूअर्स देखिए, अब आ जाते हैं हम अपने पकौड़ों की जाने, ठीक है। अच्छा, ये 2 कप मैंने बेसन ले लिया है और इसके अंदर ये 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च डाल दी है, इसके अंदर नमक डाल दिया है। अच्छा, नमक देख लीजिएगा व्यूअर्स। अच्छा, इसमें ये मेरी हरी मिर्चें कटी हुई हैं, ये थोड़ी हरी मिर्च भी मैं डालूंगी। अच्छा, मुझे कुछ हरी मिर्चें दही में भी डालनी है, वो मैं भगार से पहले आपको बताऊँगी डालना, ठीक है। अच्छा, ये है हरा धनिया, हरा धनिया भी इसके अंदर चला जाएगा, ये देखिए इस तरीके से, और कुछ भगार में भी हम डालेंगे, सही है, ये इस तरीके से आपने डालने का। अच्छा, इसमें और कुछ दूसरी चीज़ें नहीं जाएंगी, ज़ीरा या साबित धनिया वगैरह कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, बस इसके अंदर यही चीज़ जाती है। बस इसमें यही चीज़ें डालने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं और इसके अंदर जाएगा मेन चीज़, तो व्यूअर्स रह गए, ये है प्याज, ठीक है, प्याज जाएगी, ये मैंने 3 अदद प्याज काट ली थी, प्याज जाएगी इसके अंदर। ये डालने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। जी, और देखिए ये हमने पकौड़ों का सारा काम कर लिया है, अब इसको हम बस 5 से 7 मिनट थोड़ा सा रेस्ट देंगे ताकि हमारे पकौड़े अच्छे से फ्राई हो जाएं, ठीक है। इसको रेस्ट देने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद इसको सिंपल हम अपने जो दही का हमने आपको बताया है उसमें डाल देंगे, ठीक है। जी व्यूअर, देखिए ये हमारा ऑयल, हमने फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया है, अब इसके बाद हम ये पकौड़े फ्राई कर रहे हैं। जी व्यूअर, देखिए ये पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, इसे हमने प्लेट में डाल दिया, इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा ये तो फिर हम दही में डालेंगे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। जी व्यूअर्स, अब आप इसको देखिए, अब आप ये दही की शक्ल को देख सकते हैं, देखिए कहीं भी कोई फटा हुआ नहीं है, जिस तरीके से व्यूअर्स मैंने आपको बताया था बिल्कुल सेम आपको वैसे ही करना होगा। अच्छा, अब इस दौरान थोड़ा मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी, ठीक है, हरा धनिया थोड़ा सा डालूंगी और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसको डालने के बाद अभी अब आप देखिएगा, अब ये जो अभी जो ये पकोड़े मैंने बना के रखे तो थोड़ी देर प्लेट में रखे कि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं, अब ये सब मैं इसमें डाल दूंगी, ठीक है। इसी तरीके से और पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, उनको भी मैंने ठंडा करना है, ठंडा करूंगी, डालूंगी और भगार दूंगी। ये हमारा भगारा हुआ दही देखिए अनन फनन तैयार है, और आप बनाएंगे जब आप चावलों के साथ या रोटी के साथ खाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई में ये बहुत मज़े का है, और गर्मी में बहुत ज़्यादा लोग बनाते हैं, खाते हैं, आप भी बनाइएगा और खाइएगा। जी व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने तमाम पकौड़े डाल दिए हैं, ठीक है, अब आप ये देख लीजिए, ठीक है, ये अब आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हो गया है। व्यूअर्स देखिए, ये मेरे पास 3 अदद जवे लहसुन के थे, इसे मैंने स्लाइस कर लिए हैं, अब आप देखिए ये भगार में दे रही हूँ, ठीक है, ये इसमें हमने डाल दिया है, ये ऑयल है मेरे पास और ये साबित लाल मिर्चें हैं, ठीक है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। देखिए मिर्चें डालते के साथ ही आपको पता है चटर पटर की सारी आवाज़ें आने लग गई हैं व्यूअर्स। अच्छा, ये हैं मेरे पास कड़ी पत्ते, ठीक है, ये मैं इसमें डाल दूँगी, और ये देखिए इनकी भी आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी आपको व्यूअर्स, और ये है मेरे पास 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है, ये भी इसमें हमने इसमें डाल दिया है। और सफ़ेद ज़ीरा डालने के फ़ौरन बाद अब हमने इसको देना है व्यूअर्स भगार। जी व्यूअर्स, देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बघारा हुआ दही तैयार है खाने के लिए, और साथ में चावल हैं। तो व्यूअर्स, ये मैं आपको बार बार कह चुकी हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप रोटी से खाएं, चावल से खाएं, और ये बहुत ही मज़ेदार आपको लगेगा, ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और लाइफ इंजॉय कीजिएगा। तो व्यूअर्स, इन्हीं प्यार भरी बातों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दें, तो मिलती हूँ आपसे एक दूसरी नई डिश के साथ। अब आप मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।